बहुत स्वागत है जी सारियां दा। मैं हाँ सुरेंद्र ढल्ला। सवाल यह है कि IRCC का वैबीनार भी हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए, लैंडमार्क इमीग्रेशन की टीम ने कई सवाल रखे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, पर बहुत सारे स्टूडेंट साढ़े हजे भी इस गल तो अवेयर नहीं है कि इस बार जोड़े रिफ्यूजल आए ने उन्हों का मेजर रीज़न की सी, रिफ्यूजल का रीज़न की सी, और जदों हुण रीफाइल स्टूडेंट्स ने करनी है एक तो कदों रीफाइल करन और किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखन ताकि दोबारा उन्हां नूं रिफ्यूजल ना आवे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ ने, साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल सारियां गल्लां दा सलाह मशवरा करदे आं। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच जी। जसमीत जी, इस बार मेजर रिफ्यूजल्स दा रीज़न की रहा, जे असीं मन्नीए तां रीज़न की रहा मुख रूप रिफ्यूजल आउण दा, क्योंकि गल्लां बारे हो रहियां ने कि फाइलां बहुत ज़्यादा सी, बहुत सारे लोग एजेंट्स के उत्ते भी कह रहे हैं कि एजेंट्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिता, तुहाडी नज़र च मेजर रीज़न की रहा? सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिहड़े कि रिफ्यूजल का कारण हो सकते हैं। सो पहली गल तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि जिहड़ा 15 मई और 6 अगस्त वाली टाइमलाइन सी उहदे विच बहुत वड्डे नंबर च फाइल ऑलरेडी एम्बेसी च सी। सो नंबर जे देखा जाए तो 1.5 to 2 lakh नंबर जी असी उम्मीद रखते हैं कि इन्नी फाइल ऑलरेडी हाई कमीशन को सी। टारगेट सी कि 6 अगस्त तो पहला उन्हां सारियां फाइलों पर असी रिजल्ट देना। सो जो किसी चीज़ का टारगेट हुंदा है सो वह फाइलां फिनिश करनियां। हुण फाइलां पढ़िया जा रही नहीं पढ़िया जा रही, फाइलों की प्रोफाइल भी चैक हो रही है नहीं हो रही, बस उन्होंने रिजल्ट नैगेटिव दिता जा रहा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें कहना चाहवागा कि दिस रिजल्ट्स आर नॉट, डू नॉट टेक दीज रिजल्ट्स टू योर हार्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट कि तुहाडी प्रोफाइल ते तुहानू रिफ्यूजल आ गई या देर इज़ एनी मिसटेक फ्रॉम द कंसल्टेंट साइड और एजेंट साइड। वैन हाई कमीशन और ओके कहते हैं देर इज़ द मोड इज नॉट इन द पॉजिटिव वे, दैन इट इज हैज़ टू बी रीफाइल। मतलब तुसी अपनी फाइल रीफाइल करनी ही करनी है, बट सिचुएशन देखद्या होया। सो पहली गल तो जो टारगेट से 6 अगस्त तो पहला फाइलों पर रिजल्ट देने का यह भी कारण बन सकता है रिफ्यूजल का। सैकेंड कारण जिमें कि मैं हर बार एक्सप्लेन करदा कि बहुत वड्डे नंबर कैनेडियन पास जे स्टूडेंट्स जिन्हों वीज़ा ऑलरेडी मिल चुके सी कैनेडा का, वो इंडिया च है, हले ऑनलाइन क्लासा लगा रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया कैनेडा। सो जो उन्होंने ट्रैवल करना उन्होंने 3 महीने लग जाने, यानी कि जे अज मैं कहना 23 जुलाई तो भी सानू सुनन चाह रहा कि 23 जुलाई तो स्टूडेंट्स नू दला जी अलाउ किया जा रहा कैनेडा आना। सो जो साड़ी इनफॉर्मेशन है कि 23 जुलाई तो शायद स्टूडेंट्स नू कैनेडा आना अलाउ किया जा रहा। आई डोंट नो कि हले ये फॉर्मलाइज होया कि नहीं होया, बट जो साड़ी इनफॉर्मेशन हैगी है कि 23 जुलाई तो शायद स्टूडेंट्स नू अलाउ किया जाए आना। बट 23 जुलाई तो लैके 23 अगस्त, 23 सितंबर और 23 अक्टूबर तक जा पाएंगे 1 लाख बच्चा जिहड़ा इंडिया च ऑलरेडी वीज़ा लैके बैठा होया। सो जे वड्डे पद्धर ते हुण वीज़ा दे दिता जाता तो 1 लाख वाला नंबर 2 लाख हो जाएगा। सो वो बच्चे कद तक जा पाएंगे? सो एक स्टैगर्ड वे च, एक स्लो वे च स्टूडेंट्स नूं लैके जाण दी उम्मीद कर रहा है कैनेडा। सो दिस इज वन रीज़न। हुण थर्ड रीज़न ते आ जाने हैं। कैनेडा ने रीसेंटली 9 देशों SDS च ले लिया, 9 देश ऐड कर ले SDS कैटेगरी च, फास्टर वीज़ा प्रोसैसिंग कैटेगरी च। पहला सिर्फ 5 सी, हुण हो गए 14। सो पहला सिर्फ 5 कंट्री सी, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया एंड सेनेगल, 5 कंट्री सी सिर्फ, हुण हो गए सर 14 कंट्री। सो किते ना किते इदा तो नहीं है कि इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि पिछे रीज़न बहुत सारे आए कि बहुत सारे इदा के क्रिमिनल केसिस होए जिहदे च पंजाबी स्टूडेंट इनवॉल्व सी। सो कोई रीज़न इदा भी हो सकता कि साडे जिहड़े स्टूडेंट इत्थों जा रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, क्राइम कर रहे हैं। सो 9 कंट्री ऐड होए पिछले, मतलब कि 7-8 साल 5 कंट्री सी, हुण एकदम 9 कंट्री SDS स्ट्रीम च ऐड हो गए। सो दैट मीनस कि कुछ कंसर्न हैगा, कुछ कंसर्न हैगा कि जिहड़े नंबर्स हैगे हैं असी एक मल्टीकल्चरिज्म स्टूडेंट लेके आईए कैनेडा, ना कि सिर्फ इंडिया शेयर होल्डर इज 30%, दैट इज़ वॉट आर शेयर इज, 30% बच्चा इंडिया तो जाता कैनेडा।
सो देर आर मल्टीपल रीजनस कि जेडे स्टूडेंट नू इस टाइम नैगेटिव रिजल्ट आए हैं अच्छी प्रोफाइल पर, बट उन्हां प्रोफाइल्स नू असी पॉजिटिव कर सकते हैं फॉर असैसमेंट। तुसी अपनी असैसमेंट करो और अपनी प्रोफाइल नू जे तुसी पॉजिटिव करना चाहते हो तो अपनी प्रॉपरली फाइल तैयार करके आने वाले इनटेक्स च लाओगे तो वीज़ा बेशक मिलेंगे। जो सानू वैबिनार तो समझ आया कि कोई चेंज नहीं हैगा, वीज़ा दिते जाएंगे, इंडिया इज़ प्रायोरिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ प्रायोरिटी और बहुत सारे स्टूडेंट्स नू वीज़ा दिते जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीजे दिए जाएंगे। सो बिल्कुल ये बहुत बड़िया संभावनावां ने, बहुत एलैबोरेट करके जसमीत जी ने सारी गल है जी सानू दसी है। जसमीत जी हुण एक गल होर भी है, साढ़े नवे बच्चे 10+2 वालों का रिजल्ट लगभग आने वाला है, कुछ दिनों तक उन्होंने सारे बच्चों का रिजल्ट आ जाना है। हुण अगलिया संभावनावां तुसी जसमीत जी किवें वेखदे हो, साढ़े 10+2 वाले बच्चे ने जिहड़े की वो अकोमोडेट हो पाउणगे जनवरी इनटेक, या उन्होंने हुणे मई या सितंबर हुणे उन्हां नूं प्लान करना पएगा कि वह किहड़े किहड़े इनटेक च अपलाई करन। सो तुहानूं पता ही जिहड़ा लैम्पटन कॉलेज है, लैम्पटन कॉलेज मई इनटेक दा क्लोज करन दी गल कर रहा आने वाले 5 दिनों च। ओके, लैम्पटन कॉलेज जिथे बहुत सारा स्टूडेंट जाना पसंद करता है, वो आने वाले दिनों च अपना मई 2022 क्लोज करन दी गल कर रहा। सो जे स्टूडेंट तुसी जाना चाहते हो लैम्पटन कॉलेज, जल्द तो जल्द अपलाई कर लो, बिकॉज एप्लीकेशन फीस ते वेवर है, फ्री ऑफर लैटर है और लैम्पटन कॉलेज आन दे दिनों विच अपना मई इनटेक क्लोज कर रहा है। सो तुसी इत्थों सोच सकते हो कि किन्ना ज़्यादा इस टाइम ते स्टूडेंट हैगा, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्टूडेंट कैनेडा जाने का चाहवान है। सो जे तुसी रीफाइलिंग करनी है, कॉलेज चेंज करना है, नवी एप्लीकेशन लगानी है, इट इज़ हाई टाइम। मैनू सुनने आया सर कि जिहड़े पिछले साल दे साडे की कहिंदे आ 2-2.5 लाख बच्चा इदां दा हैगा जिहड़ा आईलैट्स देने की कोशिश कर रहा, बट आईलैट्स दे ही नहीं रहा, दे नहीं पा रहा, कोविड करके डिले हो गया, कुछ इदां दा इशू आ गया। सो 2020 पास आउट हले पेंडिंग चल रहे हैं, 21 दे हले रिजल्ट नहीं आए हैं। सो मैं लगता 2022 विच सीट लैनी किते बहुत ही वड्डा जंग लड़न वाला काम हो जाना। बिल्कुल ठीक है जी, ये 2022 च एडमिशन लैन दे लई जिवें जसमीत जी लगातार कहिंदे आ रहे ने कि लाइना लग सकदियां ने, लाइना लै के जिहड़ी है ऑफर लैटर स्टूडेंट्स नूं लैनी पैनी है। पर जसमीत जी अगर स्टूडेंट हुणे अपना प्रोसैस फॉलो करन जिन्हां दे रिजल्ट नहीं आए, की ये कन्वीनियंट होएगा तुहाडी नज़र च? सी जिहड़े स्टूडेंट्स ने आईलैट्स का एग्जाम देता है वो अपनी कंडीशनल ऑफर लैटर लैके बैंड पूरे हैं, फीस जमा करा दें। जिहड़े स्टूडेंट्स ने आईलैट्स का एग्जाम नहीं दिता, वो स्टूडेंट्स अपना आईलैट्स एग्जाम जल्द तो जल्द देन, नहीं तो कि जिहड़ी 2022 वाला इनटेक है कि वो भी मिस ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी। सो ये सारिया गल्लां ने जिहड़ियां जसमीत जी दियां, इन्हां ते बहुत ध्यान देने की जरूरत है और सारे स्टूडेंट्स इन्हां गल्लां दा उचेचे तौर पर ध्यान देन। परसनली जसमीत जी नूं मिलन दे लई 9413-9412 दे उत्ते तुसी वट्सएप कर सकते हो, अपना प्रोफाइल भी भेज सकते हो। जसमीत जी नूं परसनली मिलो, अपॉइंटमेंट बना के मिलो और जरूर सलाह लो। info@landmarkimmigration.com ते तुसी ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, धन्यवाद।